back from the break. पाकिस्तान में 10 पिन बोलिंग यूं तो बेबी स्टेप्स लेता हुआ आगे बढ़ रहा है, लेकिन कभी कभी पाकिस्तानी बॉलर्स कुछ ऐसा काम करते हैं कि हमें लगता है गेम कम्प्लीटली ऑन है। चलिए शब्बीर लश्करवाला से बात करते हैं, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन और मंझे हुए बॉलिंग प्लेयर हैं, और उनसे जानते हैं कि अभी हाल ही में होने वाले सिंध गेम्स में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही और गोल्ड मेडल उन्होंने कैसे हासिल किया। नेशनल लेवल पर बहुत बड़ी चीज है, तो उसमें गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए आपको किस किस्म का कंपटीशन मिला? कंपटीशन बहुत अच्छा था, मतलब अच्छे प्लेयर खेलने वाले थे, तो बहरहाल हमने भी मेहनत की, अच्छी की, तो इंशाल्लाह अच्छा हुआ। माशाल्लाह। अभी कितने अरसे से आप बॉलिंग से वाबस्ता है? मैं बेसिकली जापान में रहता था। अच्छा, वहाँ स्टार्ट की, लेकिन वहाँ बहरहाल ऐसे एंटरटेनमेंट के हिसाब से था, फिर पाकिस्तान आया, यहाँ पर भी फिर अच्छा लगा बॉलिंग खेलना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्रोफेशनली जो लोग बॉलिंग खेल रहे हैं उनका रेशो क्या है? वैसे तो अगर आप कराची की पॉपुलेशन के हिसाब से सोचेंगे तो फिर तो मेरा ख्याल हार्डली 5% की मुश्किल से होगा। तो आपको नहीं लगता कि अगर फेडरेशन थोड़ा सा काम करे इस चीज़ के ऊपर तो वो 5% बढ़ के शायद 50 हो जाए, बढ़ के फिर और बेहतर हो जाए? बिल्कुल बढ़ सकता है, लेकिन फेडरेशन की तरफ से तो हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिली अभी तक। ठीक है, अलबत्ता ये जो आपकी 10 पिन जिन्होंने सिंध बॉलिंग एसोसिएशन बनाई है, इससे इन्होंने अभी रिसेंटली इन्होंने बनाई है, इसमें ये कि इन्होंने पहला टूर्नामेंट भी किया सिंध बॉलिंग गेम में जो शामिल हुआ था, तो इनके एफर्ट्स ज़्यादा हैं। लोकल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं तो आपको इंसेंटिव क्या मिलता है जब आप जीतते हैं? अभी आप गोल्ड मेडल हासिल करके आए हैं, उसके बदले में आपको किस किस्म के इंसेंटिव मिलते हैं? कोई ऐसा खास तो कुछ भी नहीं होता, वैसे सिंध बॉलिंग में तो इतना कोई खास नहीं था सिवाय ट्रॉफी के और गोल्ड मेडल के। अच्छा, बीइंग अ प्लेयर आई एम श्योर अगर आप इसी तरीके से आगे खेलते रहे तो पाकिस्तान को इंटरनेशनली प्रेजेंट करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि फेडरेशन किस तरह से आपको सपोर्ट कर सकती है कि आप आगे चल के अपने मकासद में कामयाब हो सके? फेडरेशन हमें जो सपोर्ट चाहिए कि जहाँ पे रैंकिंग बन रही है कराची की, खास तौर पर जैसे हमारी एसोसिएशन है वो रैंकिंग बना रही है, मैं ये मेरी ये ख्वाहिश भी है, चाहता भी हूँ कि इंटरनेशनली तौर पर जो है ना हम लोग जाएँ आगे और खेलें। ये तो हमें पता है कि हम उनके लेवल पे तो नहीं खेल सकते, लेकिन ये कि ट्राई तो करें ना, मेरा मतलब ये क्या खेला तो दैट्स राइट। एसोसिएशन हो गई या फेडरेशन हो गई, ये अगर कोऑपरेट करेंगे तो मेरा ख्याल है कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का शबीर जी, थैंक यू। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए हम अपने ऑफिशियल्स की जानिब चलते हैं, लेकिन ये बात साथ में याद रखनी चाहिए कि 10 पिन बॉलिंग एसोसिएशन को बने हुए कुछ ही साल हुए हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन चंद सालों में फेडरेशन का क्या किरदार रहा अपने बॉलर्स की जानिब और उनके मुस्तकबिल में क्या एम्स है, तो चलिए उनसे बात करते हैं। आमतौर पे अपने प्रोग्राम्स में जब हम फेडरेशन की बात करते हैं तो हमें बताना होता है कि फेडरेशन कब शुरू हुई, कब से अपना काम अंजाम दे रही है वगैरह वगैरह। आज हम जिस फेडरेशन के साथ मौजूद हैं उसे कहते हैं पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन, और इस फेडरेशन को कायम हुए सिर्फ 6 साल हुए हैं। अब इन 6 सालों में क्या कुछ होता रहा है और 6 साल से पहले की कहानी क्या है, ये जानते हैं हम फेडरेशन के जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर रोमिस अली से। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने अभी कहा कि हर फेडरेशन से पहले एक कहानी होती है कि फेडरेशन बनती है, एसोसिएशंस होती हैं, लोग आगे बढ़ते हैं, एक आइडिया क्रिएट करते हैं, उसके बारे में बताएं कि फेडरेशन का क़याम कैसे हुआ? असल में हमारे पास जो गेम था वो हम 2000 के अंदर हमारे पास जो बॉलिंग एलियज बनना शुरू हो गया, हमारे पास प्लेयर्स ने खेलना शुरू कर दिया क्योंकि ये कमर्शियल बॉलिंग एलियज हैं और उसके अंदर होना शुरू हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे पास हमने कोशिश की कि हम इस बॉलर गेम को रेगुलराइज करें और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर लेके जाएँ। तो 2004 के अंदर जाके हमने जो है अपनी फेडरेशन फॉर्म की, उससे पहले हम लोग मीटिंग्स करते रहे और डिफरेंट हम जो है फॉरम्स के ऊपर बैठ के हम आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहे कि हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने गेम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर लेके जाएं। 2004 में हमने अपनी फेडरेशन बनाई और उससे पहले हमने सिंध 10 पिन बॉलिंग एसोसिएशन का क्याम रखा। अच्छा, अब एक एसोसिएशन जब बनती है और उसके बाद एक फेडरेशन जब अपने पूरे फॉर्म को कम्प्लीट करती है तो उसके कुछ टारगेट्स बनते हैं, कुछ एम्स बनते हैं लॉन्ग टर्म में, तो पाकिस्तान 10 पिन फेडरेशन के क्या टारगेट्स हैं? हमारे बेसिकली पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन के एम ये थे कि हम इस गेम को प्रमोट करें और हम इस गेम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके जाएं और हम अपने मुल्क का नाम जो है गेम को लेते हुए रोशन करें, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे पोटेंशियल थे और हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के प्लेयर्स हैं, तो हमने कोशिश की कि हम उनको ट्रेन करें और उनकी कोचिंग पे थोड़ा सा हम ज़्यादा दें और उनके जो
रैंकिंग्स हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो मेंटेन करें हमें। एक चीज़ जो मैं सोच रही हूँ वो ये है कि जब भी मैंने किसी फेडरेशन के ऑफिशियल से बात की है तो मैं ये सुनती हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो हमें उतना सपोर्ट नहीं करते जितना करना चाहिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। अब इस नए नवेले खेल को जो पाकिस्तान में आया है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कितनी सपोर्ट दे रहा है? असल में ये वो शिकवे शिकायतें हैं जो हमेशा सारी फेडरेशन को होते हैं, उसमें कुछ कोताहियाँ हमारी अपनी होती हैं कि हम उनके साथ सही डायलॉग में जा नहीं पाते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना गेम को प्रेजेंट करना पड़ता है और कुछ अचीवमेंट उनको दिखानी पड़ती हैं और उसके बाद ही जो है वो हमारे पास जो है स्पोर्ट्स। लेकिन हमारे पास जो इशू प्रॉब्लम है वो हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी का प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो गेम्स हैं पाकिस्तान में जो खेले जाते हैं वो 2-3-4 गेम्स हैं जिसके अलावा किसी और गेम्स को ज़्यादा ध्यान नहीं किया जाता। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम गवर्नमेंट को एंगेज करें अपने साथ और एक डायलॉग उनके साथ स्टार्ट करें और फ्यूचर के अंदर हम इस गेम के अंदर गवर्नमेंट को ज़्यादा इन्वॉल्व करें। अभी तक हमारी जो फेडरेशन है वो सेल्फ फाइनेंस बेस के ऊपर चल रही है। सेल्फ फाइनेंस यानी हम कोशिश करते हैं कि हम क्योंकि इस गेम को लेके चल रहे हैं यहाँ पे तो हम लोग कुछ लोग हैं जो कि इसको मिलके अपनी उसके ऊपर और कुछ हम स्पॉन्सर लाने की भी कोशिश करते हैं ताकि उनको हम बीच में लेकर आएँ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि जब बॉलिंग की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि एक बड़ा सा अरीना है, बहुत हाई क्लास बॉलिंग एलेज है वहाँ पर, तो एक ऐसा इंसान जिसका ताल्लुक ऐसी क्लास से नहीं है जो बहुत सारे पैसे खर्च करके बॉलिंग अरीनास में जाए, वो कैसे बॉलिंग तक आ सकता है? असल में अभी पाकिस्तान में इशू ये है कि बॉलिंग एलेज जितने भी हैं ये कमर्शियल सेक्टर के अंदर है। जब भी कोई स्पोर्ट्स कमर्शियल सेक्टर के अंदर होगा तो उसकी कुछ कॉस्ट बढ़ जाती है। अच्छा, ऐसा क्योंकि जब तक इसको गवर्नमेंट ऑन नहीं करेगी और गवर्नमेंट कोई नंबर ऑफ बॉलिंग एलेज नहीं लेकर आएगी उस वक्त तक जो है ये गेम्स थोड़ा सा जो है आपके मास के लिए अवेलेबल नहीं होगा। थैंक यू सो मच रोमस अली हमारे साथ बात करने का। वेल व्यूअर्स, इस डिस्कशन के बाद नाउ इट्स टाइम टू स्ट्राइक अ ब्रेक। ब्रेक से आप कहीं मत जाइएगा, वापस आइएगा क्योंकि हम बात करेंगे वर्चुअल बॉलिंग के बारे में और साथ ही मिलेंगे अपने राइजिंग स्टार से।